तो आज मैं आप सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। और एक बात आप भी सुन लीजिए, इस घर में मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। आज डैड की ये जो हालत है मेरी वजह से ही है। अगर डैड को कुछ हो गया ना, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो सिर्फ अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, वो खुद अपनी हालत की जिम्मेदार है, वो खुद। जी पापा, हाँ मैं आपको खबर करती रहूंगी। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि हम पापा जी को एक दो दिन में घर लेके जा सकते हैं। नहीं पापा, आप लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ, मैं आपको खबर देती रहूंगी। जी, मैं बाद में कॉल करूंगी पापा, आप अपना ख्याल रखना। क्या कह रहे थे? वो मम्मी पापा लंदन गए हैं ना शिखर के पास, तो वो कह रहे थे कि वो आएंगे पापा जी को देखने। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? उनसे कहो कि यहाँ सब ठीक है, अभी लंदन से कैसे आएंगे, उन्हें आने की जरूरत नहीं। जी मम्मी जी, मैंने उन्हें कह दिया है। सिस्टर, क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी आप नहीं मिल सकते, डॉक्टर ने मना किया है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आप भगवान पे भरोसा रखिए। अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना, तो मेरा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बल्लू जी को ठीक कर दीजिए, मेरे घर को बुरी नजर से बचाइए भगवान। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मुझे दीजिए, किसी और को नहीं। पल्लू जी की ये हालत नहीं देखी जाती। पल्लू जी की ये हालत नहीं देखी जाती। मैं पल्लू जी को ऐसे नहीं देख सकती। भगवान जी से बोलना कि उनकी जगह मुझे बीमार कर दे। बोलना, बोलना भगवान जी से, बोलना। आस्था, पापा जी को कुछ नहीं होगा मम्मी जी, और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगी। तू जानती है, जब करण छोटा था ना, बड़ा शरारती था, और जब वो बीमार पड़ता था तब बल्लू जी सारी रात जगकर उसी को देखते रहते थे। मैं सो जाती थी, मगर बल्लू जी कभी नहीं सो पाते थे। कहते थे मेरा पुत्र बीमार है, मैं कैसे सो जाऊं। उनकी आंखों से जैसे नींद गायब ही हो जाती थी। करण अपने डैड की भी बहुत सेवा करता, उनकी हर एक बात मानता था वो। अब पता नहीं करण को क्या हो गया है, नशा को लेकर हर बात के लिए उनसे बहस करता रहता है। इसे करण की भी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूं। सारे फसाद की जड़ तो वो नशा है। पता नहीं उसने करण को कौन सी पट्टी पढ़ाई कि करण अच्छे बुरे के बीच में फर्क ही नहीं कर पा रहा। उस नशा को मैंने माफ नहीं करूंगी उसे, बस पापा जी ठीक हो जाए। पुत्र, पर जो भी करना ना, सोच समझ कर करना, करण को अपने विश्वास में लेकर करना, क्योंकि मैं ये सब नहीं चाहती। तू देख रही है ना,
क्या हालत बना दी है उसने हम सबकी, बल्लू जी की। मम्मी जी, नायशा को बहुत जल्द उसकी किए की सजा मिलेगी। नायशा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आस्था, तुझे करण पुत्र को समझाना होगा कि हम उसके माँ बाप हैं, उसके दुश्मन नहीं। हम उसका भला ही चाहेंगे, पर वो नायशा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तूने देखा ना, उसने तो तेरी भी कदर नहीं की। मम्मी जी, नायशा करण की दोस्त है। एक दोस्त के नाते वो नायशा को इस हालत में नहीं देखना चाहते। उनकी इसी दोस्ती का गलत फायदा उठा रही है। करण देख नहीं पा रहे कि नायशा बीमारी का नाटक कर रही है। पर आप हौसला रखिए मम्मी जी, बहुत जल्द मैं नायशा का पर्दा फाश करूंगी। बहुत जल्द करण के सामने नायशा की सच्चाई लाकर रख दूंगी। शक्ति देना कि मैं अपने परिवार को उस नायशा के गलत इरादों से बचा सकूं। उफ! देख के नहीं चल सकते? इंतजार कर रहे थे। तुमने कहा था कि तुम आओगे और फिर। नायशा, देखो प्लीज तुम मेरी बात को समझो। अभी तुम घर जाओ। डैड जैसे ही ठीक होंगे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तुम माफी मांगने आ जाओ। और वैसे भी अभी तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुमने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली है। मैं मॉम डैड से बात कर लूंगा। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अंकल जी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी करण? मैं तो खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगी। शा, प्लीज चुप हो जाओ। डैड को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब उनकी हालत पहले से थोड़ी ठीक है और वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। सो प्लीज अभी तुम स्ट्रेस मत। पर करण, अंकल जी मुझे माफ तो कर देंगे ना? वैसे तो मैं माफी के लायक हूं ही नहीं, लेकिन अगर अंकल जी ने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं वो घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या फिजूल की बातें कर रही हो नायशा? बोला ना, स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। करण, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी अगर एक बार मैं अंकल जी से मिल लेती ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता। मैंने कहा ना नायशा, मैं तुम्हें फोन करूंगा तब आके डैड से मिल लेना। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अंकल जी की तबीयत के बारे में मुझे बताते रहना। ठीक है नायशा। सर, सर, आपकी ये फाइल नीचे गिरी थी। थैंक्स। सिस्टर, इन लोगों का कोई एडमिट है क्या हॉस्पिटल में? सर, हॉस्पिटल की रूल्स है, हम किसी पेशेंट के बारे में आपको नहीं बता सकते। एक्चुअली सिस्टर, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, लेकिन एक दो साल से हमारी फैमिलीज के बीच में बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं उनसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, लेकिन रिश्तेदार हैं तो हालचाल तो जानना बनता है ना। वो मिस्टर बलकार खुराना के बेटे हैं, उनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक?
चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। गौरी रुद्र को छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे हंसते खेलते परिवार को उस नायशा की नजर लग गई, उसी की वजह से वीर जी और पापा जी के बीच बहस हो गई। मैं पापा जी को ऐसे हालत में नहीं देख सकती। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अंकल जी को कुछ भी नहीं होगा, देखना। तो निशान, मुझे भगवान पे भरोसा है, लेकिन उस नायशा पर नहीं। जब तक वो हमारे घर से निकल नहीं जाती ना, तब तक हमारे घर पे खुशियां नहीं आ सकती। मैम, जो जैसा करता है ना, उसके उसके किए की सजा जरूर मिलती है। देखना, नायशा को भी उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। निशांत, तुम अभी तक रुके हो? तुम चाहो तो घर चले जाओ। पैम, तुम भी घर चले जाओ। पापा जी को जब आईसीयू से शिफ्ट करेंगे तब मैं तुम्हें फोन करूंगी। सबका यहाँ रुककर क्या फायदा, क्या करेंगे सब? नहीं आस्था, मैं अंकल को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और ना ही पैम यहाँ से जाएगी। और अगर फिर भी तुमने मुझे दोबारा यहाँ से जाने के लिए कहा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। आस्था, मैं भी इस फैमिली के मेंबर जैसा हूँ। निशांत, तुम फैमिली मेंबर जैसे नहीं, फैमिली मेंबर ही। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी मम्मी जी को देखकर आती हूँ। भाभी, मेरा तो मन कर रहा है जाके उस नायशा का मुंह तोड़ दूँ। नायशा को उसकी किए की सजा दो, भगवान देखे। करण, करण आप अपना मन छोटा मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा ना, पापा जी अब ठीक है। करण, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। पापा जी को आपकी जरूरत है, आपको दुखी नहीं देखना चाहते। आस्था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे डैड से बहस नहीं करनी चाहिए थी। आज उनकी जो ये हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से। अगर डैड को कुछ हो गया ना आस्था, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा जी अपनी जगह सही थे, वो घर के बड़े हैं, उन्हें सबकी चिंता है। ऐसे में वो क्या करते करें? नायशा ने जो भी किया गलत किया, और पापा जी ने जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आस्था, डैड बहुत गुस्से में थे, तभी ऐसे बहस हो गई। मुझे क्या पता था डैड की ये हालत हो जाएगी। करण, अगर पापा जी गुस्से में थे तो आपको बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी ना, आपको बहस नहीं करनी चाहिए थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पापा जी के सामने नायशा की फेवर में प्लीज कुछ मत बोलिएगा, प्लीज। तुम सही कह रही हो आस्था, लेकिन मुझे मुझे डैड से ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है। करण, कोई बात नहीं, से माफी मांगे और देखना पापा जी आपको माफ कर देंगे, आपको गले लगा लेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। करें,
नहीं आस्था, किस मुंह से जाऊं उनके सामने, मैं उनसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। आपको हिम्मत करके पापा जी के सामने जाना होगा, आपका वेट कर रहे होंगे, आप माफी मांग लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आस्था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि मैं डैड के सामने जा पाऊंगा। करण, सिस्टर, पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है, अभी आप उनसे मिल सकते हो। करण, चलिए। तुम चलो आस्था, मैं डॉक्टर से मिलके आता हूं। जल्दी आइए। रो रहे हो? अरे चिंता ना करो, कुछ नहीं हुआ है मैनू। बस बस बहुत हो गया, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अब प्लीज आराम कीजिए। डॉली जी, वैसे भी आराम ही करता रहता हूं मैं। हाँ, ये फर्क है कि यहां आराम करने के पैसे देने पड़ते हैं। बेटा जी, आप लोगों के चेहरे पर इतनी मायूसी अच्छी नहीं लगती। अभी मुझे कुछ हुआ नहीं है, भला चंगा हूं, और भगवान मुझे कुछ होने भी नहीं देंगे, है ना आस्था पुत्र? अभी मुझे अपनी सोनी कुड़िया का ब्याह करना। हाँ? डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है, आप अपना ध्यान रखिए प्लीज। डॉली जी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, जब आप हो मेरा ध्यान रखने के लिए तो मुझे क्या हो सकता है। बस बस वलू जी, अब बहुत हो गया, अब आप चुपचाप लेटी रहिए। डॉली जी, आप भी शांत हो जाइए, कि ऐसा ना हो कि सोच सोच कर आप बीमार पड़ जाएं। अब आपके रहते मुझे क्या होने वाला है, आप बस जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। आ जाएंगे, घर भी आ जाएंगे, तुसी दुखी ना हो, वरना फिर से बीमार पड़ जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, देखिए मैं दुखी नहीं हूं। करण नहीं दिखाई दे रहा आस्था पुत्र? पापा जी, वो
डॉक्टर से बात कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे, मैं बुला लेती हूँ। ना ना बेटा जी, रहने दीजिए, आ जाएगा। थोड़ा नाराज है मुझसे, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज अब आप सब घर चले जाइए, इनके मेडिसिन लेने का और सोने का वक्त हो गया है। पर आप में से कोई एक यहाँ रुक सकता है? ओके सिस्टर। ओके जी, जाइए आप, अब घर जाइए आप, और बच्चों को भी लेके जाइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रुकूंगी। और डॉली जी, मैंने वैसे भी अब दवाई खा के सो जाना है, आप यहाँ रुक के क्या करोगे? आप जाओ घर, मैं जानता हूं आपने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। आप जाओ, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, बच्चों को भी ले जाओ। मम्मी जी आप लोग चलिए, मैं पापा जी के साथ रुकती हूँ। नहीं बेटा जी, आप इन सबको घर ले जाइए, डाली जी को बहुत आराम की जरूरत है, ले जाइए। पापा जी